वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सो ऑल सेट टू गो लाइब्रेरी सुबह। सो सुबह के सारे मॉर्निंग रिचुअल कंप्लीट करके हम आ चुके लाइब्रेरी की तरफ एंड फटाफट से आके मैंने बैग को अनबैग किया एंड उसके बाद कल जो मैं धूल में ही बैठ गई थी उसको मैंने अच्छे से क्लीन किया एंड उसके बाद ही एंड ये बुक जो है मैंने ऑर्डर करी है CGL वॉरियर एंड ये बुक है आदित्य रंजन सर की एंड अभी मैंने इसको परचेज़ किया है और कल इसका पार्सल आया था तो मैंने सोचा कि आज आपको बताई देती हूँ। सो इस बुक को अगले मेरा एक टारगेट है अगले सात से आठ दिनों में इसे कंप्लीट करना है, कम्प्लीटली इसे कंप्लीट करना है, इसमें से एक भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए, ये मेरा टारगेट है। एंड आज हम फटाफट से स्टार्ट करेंगे परसेंटेज, क्योंकि जो टारगेट लिया है हमें उसे कम दिनों में अगर कंप्लीट हो जाए तो उससे बड़ा उससे अच्छा तो क्या ही होगा। सो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है एक चैप्टर के एंड काफ़ी प्रिसाइज नोट्स हैं, एक तरह से क्वेश्चन के फॉर्म में नोट्स दिए हुए हैं एंड जो जो क्वेश्चन टफ हैं उसके आंसर्स भी दिए हुए हैं एंड अगर आपको नहीं अगर आंसर समझ में नहीं आ रहा है एंड देन यू कैन गूगल इट। उसके बाद मुझे भूख लगने लगी एक फर्स्ट सेशन लगाने से ही, सो फिर मैंने खाया, मम्मी ने बना के दिया था आज गाजर का हलवा एंड बोला था कि दिन में तुझे कभी भी भूख लगे तो खा लेना एंड ट्रस्ट मी गाइस इट इज़ डिलीशियस। सो अब खाना हलवा पचाने की बारी आ गई थी, सो मैंने सोचा कि थोड़ा ऐसा घूम घूम के ही अपना स्टडी कर लेते हैं। सो वो बुक मैं आपके साथ में शेयर करूँगी उसको भी एंड कैसे मैंने उसको कवर किया एंड कैसे। सो आज मैंने पूरा कम्प्लीटली परसेंटेज चैप्टर निपटा दिया, पूरा का पूरा, एक क्वेश्चन भी उसमें से बाकी नहीं रहा एंड एक भी क्वेश्चन में मुझे अभी तक तो प्रॉब्लम नहीं आई है एंड किसी का भी सॉल्यूशन मुझे देखना नहीं पड़ा। सो इट्स अ बेटर तो क्या ही हो सकता है। एंड देन इसके बाद अब मैंने खाया समोसा विथ आलू की सब्ज़ी एंड इट इज़ यम यम यम। समोसा तो यार अच्छा ही होता है एंड उसके साथ ये थी ग्रीन चिली फ्राइड एंड उसके बाद अब हम लगाने वाले हैं इंग्लिश का सेशन। इंग्लिश में हम करेंगे आज, ऐसा मैंने सोचा था कि पहले कि मैं idioms कर लेती हूँ जो कि कल मैंने करे थे, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं कंजक्शन ही कर लेते हैं आज। सो कंजक्शन के रूल्स पढ़े एंड उनको अच्छे से रिवाइज़ किया एंड काफ़ी अच्छे से मैंने उसके नोट्स बनाए एंड उनको अच्छे से छोटे छोटे नोट्स में उनको ट्रांसफ़र किया एंड रूल्स जो बड़े बड़े होते हैं उन्हें प्रिसाइज वे में उसे नोट डाउन किया ताकि एक नज़र घुमाने से ही वो सारे फिर से रिकॉल हो जाए। सो लेट्स डू अवर इंग्लिश। सो ये मैंने आज का जो सेशन है ये लगाया है, काफ़ी छोटे छोटे सेशन लगाए थे मैंने इंग्लिश के, क्योंकि मेरा आज टारगेट यही था कि मुझे परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट करना है, उसमें ही मेरा बहुत सारा टाइम चला गया था क्योंकि ये जो फर्स्ट चैप्टर था एंड इतनी स्पीड बन नहीं पा रही थी। सो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं आज इसको पूरा दिन दे देते हैं, आधा दिन दे देते हैं सो हो जाएगा। सो परसेंटेज काफ़ी अच्छी खुशहाल तरीके में खुशहाल वे में कंप्लीट हुआ है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। एंड देन उसके बाद मैंने थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ा था एंड उसके बाद अब मैं पढ़ रही हूँ GK एंड ऑलरेडी नोट्स बने हुए थे, कल मैंने बनाए थे सो उन्हीं को ही मैं फिर से एक बार और रिवाइज कर रही हूँ। सो रिवाइज करने का मैंने ऐसा कुछ था नहीं, सो मैंने सोचा था कि आज कोई नया टॉपिक ही चालू कर दूँ, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, जो कल किया था कि आज काफ़ी ज़्यादा पढ़ रही था एंड काफ़ी ज़्यादा अपना जो है, बट फिर भी मैंने